नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता है कि पठान फिल्म की शूटिंग जोरों शोरों से चल रहे हैं। ऐसे में शाहरुख खान कंटिन्यू शूटिंग कर रहे हैं वाईआरएफ स्टूडियो में, और आप सभी को थोड़ा बहुत अंदाजा हो चुके हैं शाहरुख सर की रोल कैसे होने वाले हैं। लेकिन फाइनली दीपिका पादुकोण की रोल के ऊपर भी खुलासा हो रहे हैं। ऐसे में रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका पादुकोण भी इस फिल्म में एक एजेंट के रोल में दिखाई दे सकते हैं, जो कि शाहरुख खान के साथ एक मिशन में जाने वाले हैं। आप सबको पता है कि शाहरुख खान इसमें एजेंट के रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे, जो आगे चल के एक स्पाई यूनिवर्स में ज्वाइन होने वाले हैं। वैसे ही दीपिका पादुकोण कैटरीना कैफ की तरह इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ एक एजेंट के रोल प्ले करते हुए दिखाई देंगे, जो कि एक मिशन पे किंग खान के साथ जाने वाले हैं। तो ये फिल्म कितनी धमाकेदार और इंटरेस्टिंग हो रहा है दिन ब दिन आप सभी को पता है। रिपोर्ट के मुताबिक दीपिका पादुकोण काल से ही शूटिंग स्टार्ट कर चुके हैं फिल्म पठान के लिए। अब उनकी कैरेक्टर क्या होने वाले हैं फिल्म पठान में, इसके ऊपर खुलासा किए हैं मुंबई मिरर ने। आप सबको बता दूं कि दीपिका पादुकोण शाहरुख खान के साथ एक मिशन में जाने वाले हैं। दीपिका पादुकोण भी शाहरुख खान के साथ इस फिल्म में धमाकेदार एक्शन करते हुए दिखाई देंगे। यस, आप सबको पहले मैं बता भी चुका हूँ कि दीपिका पादुकोण भी इस फिल्म में एक्शन करते हुए दिखाई देंगे। तो किंग खान के साथ जॉइंट मिशन में देखने वाले हैं दीपिका पादुकोण फिल्म पठान में। तो शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की शूटिंग स्टार्ट हो चुके हैं वाईआरएफ की सेट में, आप सभी को तो पता है। लेकिन आप दीपिका पादुकोण की रोल क्या होने वाले हैं ये भी खुलासा हो रहे हैं धीरे धीरे। तो किंग खान के साथ एक मिशन में दिखने वाले हैं दीपिका पादुकोण, जो कि खुद एक अंडरग्राउंड एजेंट हो सकते हैं। ऐसे में इस बात में कितना सच्चाई है आपको बाद में पता चल जाएगा, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक तो यही है कि दीपिका पादुकोण किंग खान के साथ जॉइंट मिशन में जाने वाले हैं। उनकी रोल भी एक एजेंट की रोल होने वाले हैं। तो आप लोग पता है कि आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड इस फिल्म के लिए, कमेंट करके बताएं, साथ साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।